यहाँ पर मैं बहुत ही चतुरता से बैठा हूँ। जो जादू करने वाली उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हिम्मत लेकर कि उन उंगलियों को काट दूं, जैसे मौत कुशलतापूर्वक अपने अंदर समा लेती है। मैं अपने साथ ये काला नाग लेकर आया हूं, तक्षका। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, तैयार रहना। मेरे अशुद्ध आत्मा को फिर से शुद्ध करने के लिए तुम्हें मरना होगा। जैसा हमने सोचा, शादी के लिए वैसे ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, है ना जयराम? चाचा के यहाँ होते हुए मैं कैसे फैसला ले सकता हूँ? इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं तुम्हें जबान दे सकता हूँ, लेकिन शादी की तैयारी के समय अगर तुमने अपने हाथ पीछे हटा लिए ना, तो मैं अपनी जबान वापस ले लूंगा। सीधी सी बात है, ये शादी तुम्हारे हाथों में है। अब लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है और पसंद भी कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये शादी हो जानी चाहिए। सही कहा तुमने। ये बहुत खुशी की बात है कि आपके घर से रिश्ता आया है, लेकिन हम भी खुश हो जाते हैं अगर दहेज की रकम तय हो जाती। अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप तारीख फिक्स कर दीजिए। मिस्टर मापिला आ गए, अब इस शादी का सत्यानाश होने वाला है। हाँ, तो जो लेन देन है वो तो हम करेंगे जैसा कि हमने तय किया था, बस आपको सिर्फ तारीख हमें बतानी है। मैं कोई मदद करूं? अरे नहीं नहीं, इसे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कभी इसकी कमजोरी नहीं बनी। हमसे ज्यादा इसे पता है यहाँ के बारे में। अच्छा अच्छा, चलते हैं, जल्दी ही। लक्ष्मी? हाँ ठीक है। लक्ष्मी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भैया। यहाँ आ जा। तू खुश तो है ना बहन? तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, ठीक है? कैसी बात करते हैं, उस बापूती के लिए क्या मैंने इस घर की जमीन गिरवी रखने के लिए कहा था? छोटी मोटी रकम नहीं है, 25 लाख रुपए मैंने अपने हाथ से गिनकर दिए हैं। उसको 2 साल हो गए हैं, और अब जो रकम तुम लोगों को मुझे वापस करनी है बहुत बढ़ गई है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो तुम मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं ये घर और जमीन बेच देता हूँ। मेरा पैसा काट कर जो बचेगा तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो चाची जी, ये गोमती की हार और चूड़ियां हैं, उसको वापस कर दीजिए। जयराम, लड़के वालों की मांग सुनने के बाद मैंने देखा कि तुम बहुत ही सोच समझ कर बात कर रहे थे। लड़की ने जो गहने पहने थे या फिर जो भी पहन रखा था, वो उसका अपना तो था नहीं। क्या तुम्हारे पास इस शादी के लिए उतना बजट है जो हमारे खानदान की आबरू को बरकरार रख सके? मैंने अपनी प्रॉब्लम पहले ही बता दी है, मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। तुम्हारी हालत कब ठीक रहती है बताओ? और आप तो जानते ही है ना, जब इसके पिता गुजर गए थे तब जयराम सिर्फ 20 साल का था, कन्नन 10 और लक्ष्मी सिर्फ 7 साल की। तब मंदिरों की सीढ़ियां धोकर और न जाने कितनी तकलीफें उठाकर उसने तुम दोनों को आज यहाँ तक पहुँचाया। हम लोग जो आज इस घर का खर्च उठा पाते हैं, वो भी जयराम की कड़ी मेहनत की वजह से, और थोड़ा बहुत दुकान के भाड़े से आ जाता है। चाची, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ मत बोल, आपके पुराने किस्से बहुत हो गए, देर हो इसके पहले घर जाइए। और हाँ, पैसों की तंगी भला किसको नहीं रहती है, ये घर जायदाद हमारे परिवार की प्रॉपर्टी है। जब हमने अपना घर किसी और के लिए मापिला के पास गिरवी रखा, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला था। बोलिए, खाना लगवा दो। मापिला अगले महीने घर को ताला लगाने आएगा तो हम रोड पर आ जाएंगे। हमने लड़के वालों को ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लक्ष्मी के नाम लिखवाने वाले हैं। बापूती और मैं बचपन के दोस्त हैं, मैंने तब उसकी मदद की जब उसे जरूरत थी। तुम्हारे लिए लोन लेना आसान है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन हमारा क्या? बापूती मुझे धोखा नहीं देगा, हमने इस बारे में पिछले महीने उससे बात भी की, उसने वादा किया है कि वो दोहा से आते ही पैसे दे देगा। क्यों जयराम, आज भी तुम नाव से जाओगे? कुमार, आज तुमने कोई मछली पकड़ी? नहीं, मैं यहाँ सवेरे से हूँ। 7 बज गए हैं, 10-15 मिनट में बोट आ जाएगी। लाओ, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई मछली फंस जाए। ये लो। क्या बात है जयराम,
तुमने वादा किया था ना बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाओगे। अरे मैं आया तो था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम वहाँ फॉरनर्स को एंटरटेन कर रहे हो तो मैं वहाँ से घर लौट गया। जानते हो कुरु, ये मार्शल आर्ट वैसा ही है जैसा कि ये कलारी, नाच गाना और कथक कली। शरीर और दिमाग के बीच का विज्ञान सीखने के बाद हमारे पूर्वजों को सालों लग गए इस आर्ट को सही बनाने और डिसिप्लिन में लाने के लिए। किसी भी आर्ट में परफेक्शन के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। देखो, हमारी परंपरा ये नहीं है कि हम मूवी स्टार्स या फॉरनर्स के जैसे कपड़े पहने और अपनी तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें और अपनी पब्लिसिटी करें। कलारी कला में जो भी इंसान ट्रेंड हुआ है उसे सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे पकड़ लिए। ये तो कैटफिश है ना। तुम्हें कैसे पता चला कि ये कैटफिश है? वो क्या है कि मुझे बंसी के हिलने से ही पता चल जाता है। आ गया, कहाँ था इतनी देर से? चुप रहो। कपूर की खुशबू हवा में है। कहाँ जा रहे हो पंडित? अरे जयराम, तुम, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अरे मैं तो अंधा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? काफी दिन पहले इसने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे। इसे लगता है कि ये चुपचाप चला जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सही कहा, बिल्कुल। मैं अगले हफ्ते दे दूंगा ना, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे रोको मेरे लिए भाई। ये सरासर झूठ है। क्या ये मेरे साथ खेल खेल रहा है? चेहरा मंदा है, ये झूठ है। ये सब कुछ देख सकता है, पता? ये ऐसे ही हम सबको पागल बना रहा है। गोपाल, तुम कहाँ जा रहे हो? नीलांबरी माता के मंदिर, नवरात्रि के दिन आ गए हैं ना। मुझे नीलांबरी सुने हुए काफी समय हो गया है। शाम का जो राग होता है उसे सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। वैसे कोची बहुत दूर है, वहाँ से बहुत समय लग जाता है। हमें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। जरूर करनी चाहिए। पापा ने आपको चौथी मंजिल की बल्ब बदलने को कहा है। ठीक है, कल मैं इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगा। कहाँ जा रही है तू? ट्यूशन। पैसों का इंतजाम कर दिया क्या? नहीं कुंजिका। कितना देना है? अरे मैंने पूछा कितना देना है। यही कोई 26 के आसपास। सिर्फ 26 रुपए मुझसे मांग लेता। नहीं, 26 लाख रुपए। क्या कहा, 26 लाख? और नहीं तो क्या, 26 रुपए के लिए कोई अपना घर गिरवी रखता है क्या मल्लापुरम में? ऐसा होता है? अच्छा, तुम आर्मी में क्लीनिंग स्टाफ में थे ना? हाँ, शायद इसीलिए चाइना ने इतनी जगह ले ली। तुम्हारे जैसे लोग वहाँ थे ना? ठीक है, इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज करने वाले हो? बार बार एक ही बात मत दोहराओ, मुझे कई घरों में जाकर यह सब पहुँचाना है। अच्छा, वो देवयानी है क्या इससे पहुँचाने के लिए? अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ? उसके घर पे पुलिस वालों ने हंगामा किया है। क्या? उसका एक्स हस्बैंड माजिद जो है वो। देवयानी का एक्स माजिद नहीं है, मधु है। मुझे उसका नाम नहीं पता। वो और उसका कोई एक दोस्त है पुलिस वाला, कल रात को पीकर बहुत बड़ा हंगामा कर दिया उसके घर पर। फिर उसका भाई, क्या तो नाम वो था, सब छोड़ो ना, आगे बताओ। उसमें जितना दम था उनको मारा। सच में? फिर बाद में वो भाग गया। मैंने सुना कि वो पुलिस वाला पूरी तरह से घायल है, तो उसके भाई को ढूंढने के लिए पुलिस वाले बेंगलोर गए थे। क्योंकि वो उसे ढूंढ नहीं पाए तो देवयानी को अरेस्ट कर लिया। फिर हमारे जज ने कई बार सोचा और उसे छुड़ाया। अब तुम ही बताओ, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि नहीं? गुड मॉर्निंग जयराम जी। गुड मॉर्निंग रमेश। अच्छा ये बताओ, इतनी सुबह सुबह खाना कौन खाता है? मामा जी, आपका इरादा क्या है ये जानना चाहता हूँ। तुम्हारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना, उसमें 1 करोड़ भी नहीं है क्या? उसमें से 25 निकाल के दे दो। अरे तुम्हारा भी तो भांजा है, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं। लेकिन इनकी बेटी जरूर है, अगर लोगों को पता चल गया ना तो जस्टिस कृष्णमूर्ति का नाम खराब हो जाएगा। इनकी नाजायज बेटी जो है इसलिए छिपा के रखा है। हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारा पैसा उस नाजायज लड़की को दोगे? दीदी, मैंने आपको कितनी बार समझा है कि यहाँ आकर आप ऐसी बात नहीं करेंगी, क्यों है ना? चलो मम्मी।
आ गया तू, ये क्या लाया है जयराम? आपके लिए आम लाया हूँ। पता नहीं है क्या कि मुझे डायबिटीज है? आप इसे खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा अगर इसमें थोड़ी सी दही मिला लेंगे। जानते हैं ये बहुत ही रेयर है। लेकिन उसके बारे में? पता है कुंजिका ने बताया। मैं जा रही हूँ, ठीक है। खाना फ्रिज में रख दिया है, दोपहर के खाने के टाइम तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ, वो सब मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें और जगह पर जाकर काम नहीं करना है क्या? अब तुम्हें जो मौका मिला है उसे गवाओ मत। रुको रुको, हाँ ये लो, इसे सरदार जी के घर दे देना, और ये वकील साहब के लिए। पिल्लई की दुकान 3 दिन तक बंद रहेगी। अगर इस महीने के राशन का लिस्ट दे देंगे तो मैं शाम से पहले खरीद लूंगा। अगर मैं 6 बजे के बाद काम पर नहीं रहूंगा तो सेक्रेटरी शेखर मुझे बहुत डांटेगा। हाँ मैं तुम्हें कल दे दूंगा लिस्ट, ठीक है। लेकिन हमें दूसरी यात्रा पे जाना है। बताइए सर, कब जाना है? तुम बिजी नहीं हो तो ही कुछ सोच सकते हैं। तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से तो प्लान करेंगे। वो ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल आर के नायर मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं कुछ दिन पहले उससे मिला था। मैंने सुना है तुम वहाँ बच्चों को म्यूजिक सिखाते हो। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। जितना मैंने सीखा है मैं उससे उनकी मदद करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल वो जॉब तुम्हारे लिए परमानेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हो गया तो तुम लिफ्ट ऑपरेटर का काम छोड़ सकते हो। हाँ बस अभी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम प्लान समझ गए हो ना? ओके, नो वन विल नो। सी यू इन द इवनिंग, लव यू। तुम्हारी शिफ्ट की टाइमिंग क्या है? क्या बात है? इतने दिनों से देख रहा हूँ, रोज ये लेट होता है और रोज नए नए एक्सक्यूज देता है। आज क्या हो गया तुम्हें? तेरा बाप दीवार से गिर गया? अगर दोबारा मैंने कभी तुम्हें झाड़ू और बकेट के साथ देखा ना तो उसी समय तुम्हें काम से निकाल दूंगा, समझ गया? जयराम मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 30 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये लो, वर्कशॉप से किसी को बुलाकर मेरी कार की बैटरी निकालने के लिए कहना, और कभी कभी साफ करवा देना। चाबी ऑफिस में दे देना। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, जयराम 4th माले का पाइप चेक करवा देना, मुझे लगता है कहीं ब्लॉक है। भूलना नहीं, बहुत जरूरी है, ठीक है? आपको तो बहुत सारे काम दिए है ना। तू अपना काम खत्म करके स्कूल जा। अगर सफर इतना लंबा है तो किसी ड्राइवर को किराए पर ले आते। नहीं जयराम, ये सफर हमें आखिरी तक ले जाएगा। जिसकी मैंने बहुत पहले मन्नत मांगी थी उसे सावधानी से ही हैंडल करना होगा। बाहर वालों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, समझो बात को। सर मेरे पास कुछ लॉटरी के टिकट्स हैं, 5 करोड़ का इनाम है सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए सर, एक तो ले लीजिए सर। नहीं नहीं शुक्रिया सर। सर आप मेरे पहले कस्टमर हो, ठीक है, तो मुझे एक दे दो। हाँ। और हाँ? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये बताओ कैप्टन भास्कर कहाँ रहते हैं? कैप्टन, आप उनकी तो बात नहीं कर रहे हो जिन्होंने अंबेरी अच्छू को मारा था? मुझे वो सब तो नहीं पता, बस वो जेल में थे इतना ही पता है मुझे। हाँ वो वही है, यहाँ से सीधा जाइए, रोड साइड में एक हैंडपंप दिखेगा, उसके ऑपोजिट में जो घर है ना वो उन्हीं का है। सर यही घर है। हाँ हाँ हाँ। भास्कर? हाँ आप कौन? भास्कर नाथ, जेल में जिसने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा था वो था वासुदेव, उसे तुम जानते हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। हाय, चलो बेटा।
सर, लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं, जब हम वहां से जाकर वापस आए तो यहां भी एक ही गाड़ी हमारे आसपास से गुजर रही है, आपने महसूस किया? नहीं जयराम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों पूछा? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। जयराम, मैं तुम्हें जब भी किसी सफर में लेके जाता हूं, तुमने आज तक नहीं पूछा कि क्यों, कि हम क्यों जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं और उसका आखिर मकसद क्या है। नहीं, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं पूछा सर, यहां तक कि नंदिनी के बारे में भी। वैसे सर, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल तो हैं कि आप खुद को अपनी बेटी से क्यों छुपाते हैं, उसकी माँ कौन है, आप उससे मुझे रामचंद्र क्यों बुलवाते हैं, आप उसके हर सवाल के जवाब में मुझसे झूठ क्यों बुलवाते हैं। बहुत सारे सवाल मैं अपने अंदर लेकर आपके साथ चलता हूँ सर, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। मुझे अच्छी तरह पता है कि जितना जानना चाहिए मैं उतना ही जानता हूँ। मुझे यकीन है कि जब सही वक्त आएगा तब सब पता चल जाएगा। तुम्हारा ये बर्ताव ही है जयराम जो हमारे बीच के रिश्ते की कड़ी है। खून के रिश्ते में भी गुण नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बता दूं जो जानना जरूरी है। आज से 14 साल पहले मैं हाई कोर्ट का जज था। वासुदेव नाम के एक नौजवान लड़के को मर्डर के चार्ज में लेकर आया गया था। वो अप्पू का बेटा था जो सेतु के ऑफिस में एक अकाउंटेंट था। वासुदेव पर सेतु की कामवाली के रेप और मर्डर का केस लगाया गया था। केस के फैसले से पहले वो चाहता था कि चेंबर में मैं उससे मिलकर कुछ बातचीत करूं। वो बहुत रोया ये कहकर कि वो निर्दोष है, जब वो मुझे वहां मिला था। लेकिन जज होने के नाते मैं उस एविडेंस को नज़रअंदाज नहीं कर पाया जो उसके खिलाफ साफ नजर आ रहे थे। मैंने उसे उम्र कैद की सजा दी थी। उसके बाद शर्म और बिना सहारे के उसके परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं वजह नहीं जानता था, इसलिए मुझे वहां जाना था। मैंने उसे पुलिस वाले के साथ खड़ा देखा। उसकी आंखों में ज्वालामुखी था और वो बहुत शक्तिशाली था, जिससे वो पूरी दुनिया में आग लगा सकता था। उसके तेवर बहुत अजीब थे। उन लाशों के सामने मेरा दिल भी बहुत भारी हो गया था। सच्चाई और न्याय की लड़ाई की वजह से वो बोझ मैं अभी तक अपने कंधों पर ढो रहा हूँ जयराम। वो बोझ मुझे अंदर ही अंदर कचोटता जा रहा है, मैं उससे अब तक उबर नहीं पाया हूँ। कई सालों के बाद फिर मैं रिटायर हो गया और अपने गांव वापस आ गया, तो मैं उसे ढूंढते हुए जेल गया। उस समय वो अपनी सजा काटकर बाहर निकल चुका था। वहां से मुझे पता चला कि अपने परिवार के लोगों की लाशें देखकर उसे शॉक लग गया था और वो मानसिक तौर पर बीमार हो गया था और कुछ साल उसने मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे थे। ट्रीटमेंट के बाद वो वासु फिर से जेल में आया और उसने उस जेल की दीवारों को अपने शब्दों से भर दिया। मैंने वो पढ़ा। उसके उन अटपटे शब्दों में मुझे बहुत सारे छिपे हुए अर्थ मिले। मैं पछतावे से जूझ रहा था और खुद को शांत करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अब भी उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। मैंने वासु को बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि मैं उसे कम से कम एक बार तो जरूर मिल लूं। वही सवाल और खोज अब तक जारी है।
अरे सर, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? उसने बहुत पी थी क्या? ऐसा कुछ तो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है सर। मरने की वजह यह है कि वो ऊंचाई से गिरा है, ये आत्महत्या नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को क्यों दिया? क्योंकि उसके रिश्तेदार मोर्चा निकाल रहे हैं। पर जॉर्ज सर, उस एफआईआर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या है? वो जिस जगह से कूदा वहाँ पर उसके फुटप्रिंट उसके जूतों के नहीं है सर, वो किसी और के हैं। तो मुझे लगता है कि वो फुटप्रिंट जिसने उसे धक्का दिया उसके हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो स्ट्रगल के निशान होने चाहिए। गंगा, तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया ना? हाँ, आज मेरा आखिरी दिन है। ये देखो, मैं इसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। किसी ने फोर्स नहीं किया, पर्सनल चॉइस थी। तुम चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो जॉर्ज, सारी डिटेल्स इसमें हैं। ये मर्डर्स 5 अलग जगहों पर हुए। पहला हुआ कोहिकूर के कार्तिक सेतु का, वो पिछले साल की दिवाली पर गैस एक्सप्लोजन की वजह से मरा। दैट वॉज इन अक्टूबर। नेक्स्ट है मामपुरम के मस्जिद से लौटते वक्त डीवाईएसपी अहमद और उनकी पत्नी की मौत हुई। उनकी कार काडालुंडी नदी में गिर गई थी। उसके बाद है डॉक्टर जोसेफ चल्ला और उनकी बीवी, इनकी मौत थेक्काडे बोट में हुई थी। ये देखो, एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर नाम्बियार अलुआ नदी में डूबकर मर गए। इस केस को मैंने अकेले ही इन्वेस्टिगेट किया था। सर, चाय। सी दिस। 3 दिन पहले ही यूएस से एक आईटी का स्टूडेंट इंडिया आया था, विजय कृष्णा, मिस्टर नाम्बियार का एक लौता बेटा था। अपनी ही बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। इस केस की जवाबदारी अब तुम्हारे हाथों में है। मिस्टर नाम्बियार मरने से पहले नशे की हालत में थे, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो आत्महत्या थी या एक्सीडेंट। और उसके एक हफ्ते बाद ही उनका बेटा मर गया। उनके रिश्तेदारों के हिसाब से उसे ना तो कोई इमोशनल और ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और उसने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा। लेकिन ये सब तो केरला में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर हुआ था, तो फिर गंगा तुम इन सबको एक साथ कैसे जोड़ रही हो? क्योंकि ये सारे लोग अपनी फैमिली के साथ ही मरे हैं। एक और बात है, मरने वाले हर इंसान की पहली उंगली गायब थी, और जब हम मरने की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे तब किसी ने ये नोटिस किया। डू यू थिंक समबडी इज बिहाइंड दिस? इसीलिए तो मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस फाइल में और भी कुछ डिटेल्स हैं। इसे जला के खुद को बचा लीजिए सर। 9, 10, 11 हैं? ए बीरा। हजार बार समझाना पड़ेगा, मेरा नाम बीरा नहीं वीरा है। वीरा, वीरा। देख, हम सभी भगवान को एक ही तरह मानते हैं ना, अल्लाह, जीजा, सैयप्पा। तो तेरा गलत नाम ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम अपनी माँ को बाप और बाप को माँ कह के पुकारोगे? वो सब छोड़, ये बताओ 11वें माले पे कोई फ्लैट खाली है क्या? हाँ, है। क्यों? कल रात को मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की लाइट जल रही है, ऐसा लगा। उस फ्लैट में ये सच हो सकता है क्या? हे, अरे वो देवयानी होगी काम वाली, वो उस माले पे कई सारे फ्लैट्स की सफाई करती रहती है। ए, आधी रात को कोई सफाई करता है क्या? सफाई तो सुबह 6 बजे हो जाती है। लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो 11वां माला है या 6ठा माला है? मैं इस बारे में पक्का कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। अरे भाई साहब छोड़ो ना, ये एक आदमी का नाम भी सही से नहीं ले सकता है, जानते हो? जानते हो ना 6ठे माले पर फ्लैट नंबर 605 खाली है। अरे मिस्टर, चाचा उसे भाड़े पर देने की सोच रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं उसके सामने वाले फ्लैट में था, आम और पान के पत्ते अमलू को देने के लिए, तो मैंने कई आवाजें सुनी। सच में? मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो आवाज बंद हो गई। ये बहुत गलत बात है। पहले हम अपने गांव में अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह से जानते थे। जब से ये फ्लैट बन गए हैं तब से लोग अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर देते हैं। ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन अंदर रहता है कौन नहीं रहता है, बहुत उलझन है। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सरदार जी की बेटी गायब है, 5 बजे के आसपास ब्यूटी पार्लर के लिए निकली थी, पर ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर पहुँची ही नहीं, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। किसी को मरीन ड्राइव भेजो उसको ढूंढने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर किसका प्रतिवाद चल रहा है? चुप, कहानी मत बना। अरे ये कोई कहानी नहीं है जयराम, तुम चाचा के बेटे को तो जानते हो ना? रवि। हाँ, रवि और सरदार की बेटी हमारे पार्किंग लॉट में एक बार किस करते हुए पकड़े गए थे। अगली बार मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। तुम अंधे हो लेकिन सुन तो सकते हो ना? वो तो अपनी स्कूटी से कहीं जाती है ना। हाँ, स्कूटी से जाती है। जाकर देखो वहाँ स्कूटी है क्या। हाँ, मैं जाके देखता हूँ। हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। आप लोग उसके दोस्तों को क्यों नहीं फोन करते? ये मोहम्मद कौन है, क्या मैटर है? मोहम्मद? हम सरदार की बेटी की बात कर रहे हैं और तुम मोहम्मद बोल रहा है? जयराम, स्कूटी वहीं पर है। क्या कुंजिका? हाँ? मेरे साथ आओ। हाँ सरदार जी, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, आइए। कुंजिका, हाँ चाबी लेकर आओ।
चाचा से फ्लैट नंबर 605 की। ठीक है। ए, तुम लोग दरवाजा क्यों खोलना चाहते हो? अंदर कोई नहीं। अंदर है। कोई तो है सर, आप दरवाजा खोलो। अरे बंद दरवाजे के अंदर कौन जा सकता है? हा? सर दरवाजा खोलने में क्या आपत्ति है? आप एक बार खोल कर तो देखिए। ये भी ना। बताओ क्या देखना है तुम्हें? जाइए आप लोग अंदर अच्छी तरह देखिए। क्या पागलपन है? अरे एक हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? आराम से, आराम से चलिए ना। चलो ना। एसोसिएशन को मेरे बेटे की शादी तय करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे बेटे ने बहुत गलत काम किया है, मेरी बेटी ने नहीं। लगता है यहाँ पर पक्का झगड़ा होने वाला है। मैंने एक निर्णय लिया है कृष्णमूर्ति सर, कहने के लिए इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी सोसाइटी आपकी बहुत इज्जत भी करती है। मुझे लगता है आपका निर्णय बिल्कुल सही रहेगा। सर आप ही निर्णय लीजिएगा, ये हमने तय कर लिया है। देखो शेखर, तुम खुद ये तय कर सकते हो। वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो चाहें तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, राय तो सुननी चाहिए। देखो ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों इस उम्र तक पहुँच चुके हैं कि ये मैच्योर हैं और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ सर। बेटी तुम तो ये बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके जिंदगी साथ बिताना चाहोगे? ओ तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें अपनी औलाद के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है? अलग राज्य, अलग भाषाएं, अलग संस्कृति, ये कैसे मुमकिन है? बेमेल शादी है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तुम्हें समझना चाहिए मैनन कि अगर हम कुत्ता खरीदते हैं, घोड़ा खरीदते हैं या गाय खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले उनके लिए क्या देखते हैं? पेडिग्री टाइप का आइटम देखते हैं ना। पर यहाँ बात को समझो, रघुवीर सिंह का खानदान का अच्छा खासा नाम है, और मैनन तुम्हारा भी, और इन बच्चों की भी इज्जत है भाई। क्या इतना काफी नहीं है मैनन? इसके अलावा मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाम को मेरे फ्लैट पर आ जाओ परिवार के साथ, तब हम डिस्कस करेंगे कि इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्या बात है सर? मैंने आज किसी को देखा। किसको? वासु जैसे इंसान को। क्या वासु? हाँ हाँ हाँ, वासु ही था। लेकिन मैं उससे कुछ बात कर पाता इससे पहले वो वहां से चला गया था। फिर तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हें जल्द से जल्द नंदिनी के हॉस्टल जाना चाहिए। जयराम ने जो तुम्हें नंबर दिया है, अगर तुम मुझे कॉल भी करोगे तो मैं नंदिनी के बारे में नहीं बताऊंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग. देखो तुम्हारे रामचंद्र जी आए हैं. बोथ ऑफ यू हैव अ गुड वीकेंड. रामचंद्र जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी जैसी नाजायज बच्ची को कौन उठा के ले जाएगा? रामचंद्र ये जानना चाहता है कि तुम्हें नाजायज किसने कहा. लोग अगर आपको झूठा कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. क्यों? अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आपने बॉल कैसे पकड़ा? अरे वो ट्रिक है. अच्छा ट्रिक. आपने कितने सारे झूठ बोले हैं मुझसे. मम्मी को लेकर आओगे, पापा को लेकर आओगे, ये सब झूठ बोला है आपने मुझसे. जब आपने मुझे बलून और चॉकलेट दिया था तो मैं आपकी बातों पे भरोसा करती थी. पर ये नंदनी अब बच्ची नहीं है, पता है ना आपको? सच में? इस बेचारे रामचंद्र को पता नहीं था कि हमारी गुड़िया नंदनी बड़ी हो गई है. रामचंद्र आजकल मैं आपसे कुछ नहीं पूछती. मैं आपसे और सवाल पूछकर तकलीफ नहीं देना चाहती क्योंकि मैं डरती हूँ कि आप यहाँ ना बंद कर देंगे क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है. ये रामचंद्र वादा करता है कि कभी भी नंदनी गुड़िया का हाथ नहीं छोड़ेगा. अगली बार इस रामचंद्र के साथ एक और इंसान होगा. कौन होगा? नंदनी गुड़िया के पिताजी. और मैं उनके हाथों में तुम्हारा कोमल हाथ देकर कहूंगा कि आप इसे लेकर जाइए, मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ. रामचंद्र जो बोल रहा है वो झूठ नहीं है बल्कि वो तुम्हें जुबान दे रहा है. मैंने एक अच्छी वाली गिफ्ट लाई हूँ और उसको मैंने बॉक्स में संभाल के रखा है. किसके लिए? रामचंद्र के लिए. हा? मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा को लेके आने वाले हैं ना, इसलिए. तो आपके लिए गिफ्ट तो बनता है. मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा. वैसे भी इस नंदनी को पापा की जरूरत नहीं है. नंदनी के पास रामचंद्र जी है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी ये जान लो कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ आएंगे. अरे जिसकी बेटी तुम्हारे जैसी हो उसके लिए उससे अच्छा और क्या हो सकता है? झूठ, सरासर झूठ. ये रामचंद्र मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं. और आपने कहा था कि स्कूल में आके मुझे गाना सिखाएंगे और एन वक्त पे आप नहीं है. अब सिर्फ 4 दिन बचे एनुअल डे के लिए, वो भी चला जाएगा. कौन कहता है कि वो चला जाएगा? मैंने कहा था ना कि रामचंद्र तभी वापस लौटेगा जब इस गुड़िया को गाना सिखाएगा. और मैं यहाँ पर गाना लेकर आया हूँ अपनी पॉकेट में. फिर से झूठ, गाना और पॉकेट. तुम्हें सुनना है? हाँ. सुनना है? सच में सुनना है. आइए यहाँ बैठ जाओ. हाँ, आप भी बैठ जाइए. हाँ. हाँ, प्रोग्राम में सारे मेंबर्स आने वाले हैं. तुम्हारा जॉब परमानेंट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे दूसरों में बांटोगे तो पुण्य मिलेगा. जब भगवान तुम्हें कोई कमी देता है तो उसके साथ कोई खूबी भी दे देता है. मैंने यहाँ हर एक बच्चे को देखा है. जहाँ तक अंधों की बात है उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनकी तरह है. जयराम, आज की क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ गंगा, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? लॉ एंड ऑर्डर में ट्रांसफर होती है, कल से जॉइनिंग है. इसलिए सुबह से मैं किचन में बिजी थी. डैडी की कोई फेवरेट डिश है जो मम्मी बनाती थी, वही बनाने की कोशिश की. तो आज डैडी के लिए स्पेशल लंच लाई हूँ. आप बहुत लकी हैं जो गंगा जैसी बेटी मिली आपको. लकी हूँ? 6 महीने का समय दिया था. अगर कोई इसे पसंद है तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं खुद इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा. ओहो, आप फिर से शुरू हो गए ना. चलिए खाना खा लीजिए, मैं शाम को आऊंगी. हाँ बेटी, तुम घर जा रही हो ना? हाँ. जयराम को भी छोड़ दो प्लीज. ठीक है. ठीक है सर. चलो. मैं आज इसको जान से मार दूंगा. तू कौन होता है पूछने वाला? हादड़ा, शांत हो जा. अब्दू. अब्दू किसको बोला? अब्दू नहीं, मधु नाम है इसका. मधु जो भी कोई हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते. ये इज्जतदार लोगों की सोसाइटी है. हाँ इज्जतदार, उसने मेरे खिलाफ कम्प्लेन की है. स्पीकर, क्या कर लेगा वो मेरा? हैं? Hey, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? वापस आ गया ये मुझे परेशान करने के लिए. गुंडा कहीं का. गुंडा बोलती है मेरे? खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो पीछे हटो. तो तू ही है मेरी बीवी का होने वाला पति? हाँ ये तुम्हारी बीवी थी, लेकिन अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है. फिर तुम इस पर कैसे हक जता सकते हो? पूछने वाला तू कौन है? अभी अभी तो तूने बोला कि मैं तेरी बीवी का होने वाला पति हूँ. क्या बोला? अरे शांत हो जा मोहिद्दीन. मोहिद्दीन? अरे भाई तू साइड में आ जा. मोहिद्दीन नहीं है उसका नाम, पर उसका सही नाम तो बता. दुर्गा, दुर्गा सलमान. मेरी बात तो मधु. मधु शांत हो जा, तमाशा क्यों कर रहा है? यहाँ से हम इस मैटर को तो बाद में भी सुलझा सकते हैं ना. लोगों के सामने अच्छा नहीं है सब करना. थोड़ा बोला. अभी जा रहा हूँ मैं. पुलिस या आर्मी के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करना. तेरा वो कमीना भाई और ये अंधा जो है ना, जिस दिन हाथ लग गए खत्म कर दूंगा. हट, याद रखना. क्या देख रहा है? सर
आपने बैंक से इतने सारे पैसे क्यों निकाले? ये पैसा नंदनी के नाम से मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था। मैं चाहता हूँ कि ये पैसा तुम उसके ऊटी वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। आप डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते? नहीं, इस समय मेरे अकाउंट चेक किए जा रहे हैं, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उससे कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे पिताजी को लेकर आऊंगा। सर आपको चलना होगा। मां, मेरा आना खतरनाक हो सकता है। इन दिनों वासु मेरा परछाई की तरह पीछा कर रहा है और उसका एक ही उद्देश्य है, नंदनी को ढूंढना। किस लिए? मैं अब तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। शायद तुम मेरा यकीन नहीं कर पा रहे हो। वो लोग जो वासु के टारगेट थे, उनका खून हो चुका है कई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से। ऐसा लग रहा है कि वो बदला ले रहा उन लोगों से जिसने उनकी फैमिली को मारा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम्बियार, अगर इन सब के पीछे वासु का हाथ है तो उसका अगला टारगेट मैं और नंदनी हो सकते हैं। तुमने नहीं देखा? अभी दिखाता हूँ। लक्ष्मी की शादी की तारीख लड़के वालों ने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 तारीख को शादी होनी ही चाहिए। इतनी जल्दी? वही तो, लड़के की छुट्टी नहीं होगी। और ये बापूती का क्या करें? उससे बात नहीं हो पा रही, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, यही सच है। ए, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम लोगों को क्यों नहीं समझते हो भाई? जब बापूती मापिला के घर आया था तो वो तुमसे बिना मिले चला गया था। अगर उसको पैसे वापस देने का इरादा होता तो वो तुमसे एक बार जरूर मिलता ना। मुझे नहीं लगता कि पैसे वापस मिलेंगे। तू बस जाके शादी की तैयारी कर। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन पैसों का इंतजाम तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लो, इसे पकड़ो। क्या है इसमें? सरदार जी ने दिया है शादी में पहनने के लिए। सबको दे रहे हैं नए कपड़े, अलग अलग रंग के। जयराम रास्ते से हटिए। क्या हुआ? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इनसे सामान ले। लाइए, मुझे दीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए, मुझे दीजिए आराम से। अभी तो खेल रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। पहले भी ऐसा हो चुका है। उस बच्चे के पिता कहाँ हैं? वो तो यहाँ कभी कभार ही आते हैं। दरअसल उनका अपना बिजनेस है, काम के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं। सत श्री अकाल। और सर, आपके कारण ही हमारी बेटी की इज्जत बची है। और आज शाम को फंक्शन है, आप जरूर आइएगा और हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया। थैंक यू। देवयानी, इसमें स्वीट्स है, ये तुम रख लो। सरदार जी ने बिल्डिंग के स्टाफ को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। मुझे भी उन्होंने खागरा चली दिया है। हाँ जयराम, सुनो, जब फंक्शन खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, मैं कर दूंगा सर, आप इसे फिलहाल संभाल कर रखिए। अब जयराम, इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। अगर सिर पर पगड़ी लगा दे तो बिल्कुल सरदार जी लगोगे तुम। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे दिखाई थोड़े देता है। टच करके देख लो ना। पता है, वहाँ एक पंजाबी लड़का मुझे पंजाबन समझकर मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा था, और जब मैं हिंदी बोलने लगी तो भाग गया। उसने अपनी जान बचा ली। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सच सच बताना। वो क्या पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पहले से ही पता था। लेकिन अगर इसके साथ चटनी होती ना तो इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता, इसे खाने में मजा आ जाता। जो अपा माटे से बनता है वो मैदे से ज्यादा अच्छा होता है। ओहो, मैं तुमसे अपने बारे में पूछ रही हूँ, इस अप्पम के बारे में नहीं, समझे? तुम मेरी इसके साथ बराबरी कर रहे हो। फ्लर्ट मत करो, जाओ मेरे लिए करी लेकर आओ। हेलो, ये लो। वैसे अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो उस दिन मेरे पति से मुझे क्यों बचाया? अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो वो तुम्हें वहीं पर मार देता। देखो, यही वजह है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, मैं एक सेल्फी लेती हूँ। सेल्फी? मुझे तुम्हारी कुल्फी नहीं चाहिए, मैं खुद ही खा सकता हूँ। प्लीज तुम जाओ, औरतों के साथ बैठो, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में कुछ बोले।
अरे तुम देखा हमने कहाँ कहाँ ढूंढा? तुम्हें ठीक से ढूंढना चाहिए था ना। हमने तो ढूंढा था। एक फोटो निकालो ना कुंजी का। पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। ए, क्या कर रही हो? हाथ हटाओ ना। आप लोग इधर। अरे छोड़ो मुझे। तुम क्यों यहाँ बीच में आ रहे हो? इतना पास बताओ। सीधे खड़े रहो। रेडी? अरे थोड़ा स्माइल तो करो। हाँ ठीक है। देखो 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 कितनी अच्छी है। जयराम भैया ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसे कपड़ों पर काम वाली लगती ही नहीं। क्यों ना तुम उससे शादी कर लो, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तू कुंजिका की बातों को सपोर्ट मत कर। ऐसा खाना कभी कभी मिलता है, जा खाना खा और घर जा। अरे डोसा के अलावा घी राइस या चिकन बिरयानी नहीं है क्या? सरदार की बेटी की शादी में चिकन बिरयानी? सरदार लोग चिकन नहीं खाते हैं क्या? अरे क्यों ना हम ये सिंह से पूछ लेते हैं। सिंह कौन? मोहम्मद सिंह। वो कौन है? अरे नहीं जाऊंगा। मूर्ति सर, सर 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 मूर्ति सर 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 अरे गुंजिका जनरेटर स्टार्ट करो। अरे मुझे देखने तो दो, उसमें डीजल है कि नहीं। Thank you.
इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? हमने जांच पड़ताल की है सर। हाँ। सर फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था, वो यही है। उसे लेकर आओ। हे यहाँ आओ, जल्दी जाओ। इधर आ। हाँ। यहाँ ये अंकल। हाँ। नाम क्या है आपका? कुंजू मोहम्मद। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। कुंजू मोहम्मद, जो भी सवाल पूछूंगा उसका सही जवाब देना है। हाँ। बॉडी पहले किसने देखी थी? मैंने ही। अच्छा, क्या आपको वहां पर कोई लेकर गया था? हाँ। हाँ, तो फिर उसी ने पहले देखा होगा। नहीं, वो मैं था जिसने पहले देखा। उसे भूल जाओ। तुम्हें वहां कौन लेकर गया था? जयराम। अच्छा, तो वो जयराम था जिसने तुम्हें पहले बॉडी दिखाई है ना? हाँ। मतलब उसने पहले देखा? नहीं, पहले मैंने देखा है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जब हादसा हुआ तब कहाँ थे तुम? मैं नीचे था। ये बताइए, आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी तो 4 बार हुई है। तब तो सब खुश होंगे? हाँ, सब खुश है। मैं दुखी हूँ। हाँ। सिक्योरिटी गार्ड बनकर। अच्छा, तो जयराम ने सबसे पहले हादसे को देखा और वो नीचे आ गया। हाँ। उसके बाद वो आपको लाश के पास लेकर गया है ना? हाँ। हाँ। मतलब आपने बाद में देखा? अरे पहले मैंने देखा साहब। ये कैसे हो सकता है? तुम तो शादी के संगीत में थे ना? हाँ। तो तुम्हें मौत के बारे में कैसे पता? जयराम ने मुझे बुलाया था। उसके बाद आपको जयराम ऊपर लेकर गया है ना? हाँ। उसके बाद उसने बताया कि वहां पर उसने एक लाश देखी है। हाँ। हाँ। इसका मतलब उस लाश को उसने तुम्हें दिखाया। हाँ। हाँ। तो फिर लाश को पहले किसने देखा? पहले मैंने ही देखा। अरे क्या है ये, एक ही बात को बार बार बोले जा रहा है। सर, इसको दो लगाऊं क्या? मारने की गलती मत करना। अगर हमें ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसका हाथ भी जरूर होगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, वो मर गए थे। और देखने के बाद आपने क्या किया? मैं नीचे आया, बीरा और रहमान को बोला कि पुलिस को खबर कर दो। बीरा और रहमान? हाँ सर। तो उन्होंने फोन किया? हाँ जी। वो लोग कहाँ हैं? यही तो है वो। वो रहे। वो। अच्छा, वो लोग। हाँ। ए सुनो, तुम लोग यहाँ आओ, यहाँ आओ जल्दी। बीरा कौन है? सुनाई नहीं देता, बीरा कौन है? मुझे नहीं पता सर। तू रहमान है क्या? नहीं सर। फिर नाम क्या है तेरा? राघव है। राघव? वो। और तेरा नाम? वीरा। सर, इनका नाम वीरा और राघव है। क्या तुमने पुलिस को फोन किया था? हाँ सर। तो फिर ये बीरा और रहमान क्यों बोल रहा है? हाँ? वो लोग कहाँ हैं? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है सर। सारी आदमी झूठ बोल रहा है। अच्छा, कस्टडी में लो इसे, मैं आकर इसे सच उगलवाऊंगा। अब ये जयराम कौन है? वो आदमी है सर। जयराम, अच्छा तो तुम थे जिसने लाश को पहले इसे दिखाया है ना? हाँ सर। तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है कि इसने बॉडी को पहले देखा? हाँ सर, ये सच है। क्या सच है? बॉडी कुंजिका ने पहले देखी सर। देखो, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दोगे। बात समझ में आई तुम्हें? तो तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले तुम इसे ऊपर लेकर गए? हाँ सर। मतलब तुमने पहले बॉडी देखी? नहीं सर, कुंजिका ने देखी। देखो भाई, तो तुमने कहा कि तुम ही पहले इस आदमी को ऊपर बॉडी दिखाने के लिए ले गए। हाँ सर। इसका मतलब बॉडी तुमने पहले देखी? नहीं सर, कुंजिका ने देखी। अरे कुंजिका, तुमने उसने किसने पहले बॉडी देखी ये बताओ। सर मैं अंधा हूँ ना? तुमने मुझे बताया कि तुम उसे सबसे पहले ऊपर लेकर गए थे। इसे अंदर बिठाओ, इसकी भी रिमांड लेनी पड़ेगी। सर मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें देख नहीं सकती है सर। हाँ नहीं सर, इनको कंप्लीटली दिखाई नहीं देता, ये पूरे अंधे हैं। अगर तुम अंधे हो तो सबसे पहले तुम कैसे देख सकते हो? आधा घंटे से मैं क्या बोल रहा था बेवकूफ? मुझे बेवकूफ कह रहा है? पहले क्यों नहीं बताया कि ये आदमी अंधा है? मैं एक ही सवाल को तब से पूछे जा रहा हूँ। आप ही ने तो कहा था मैं जो पूछूंगा सिर्फ उसी का जवाब देना। मुझे फालतू में यहाँ बिठा दिया। सबको उठाकर पुलिस स्टेशन ले चलो, वहाँ जाकर एक एक की रिमांड लेंगे। तुम सबको टाइम दिया जाएगा, आप सब यहीं रुको। ये लोग
कैसे कैसे निकम्मे लोगों को भेजा है इन्होंने कैमरा लेकर हमारे सरदर्द के लिए। अभी इनके पास लेटेस्ट न्यूज है ना? सर आईजी ने फोन किया। हाँ, ऊपर से प्रेशर आया होगा उसे, क्योंकि जिसकी मौत हुई है वो पहले चीफ जस्टिस था। केस जल्दी सॉल्व नहीं किया तो जज हमें फ्राई कर देगा। हाँ क्या बात है बोलो। सर पुलिस डॉग रोड तक गया और उसके बाद वहीं रुक गया। और फिर? उसने यहाँ वहाँ देखा और उसके बाद घूमने लगा। सर उस रात मैरिज फंक्शन था ना, उसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं रख पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर डेथ का कॉज इंसुलिन ओवरडोज है। वो जज डायबिटिक थे क्या? हाँ सर, वो इंसुलिन लिया करते थे लेकिन उस रात उन्हें जबरदस्ती दिया गया था। और हमें ये भी पता चला है कि उनकी पहली उंगली टूटी हुई थी और मुंह में कपड़ा डाला गया था। कुछ चोरी भी हुआ था क्या? सर उनके पास कोई ड्राइवर नहीं था। उनकी घड़ी और रिंग तो उनके हाथ में ही थी और बाकी चीजों के बारे में हमें पता नहीं चल पाया सर। उनका फोन चेक किया था तुमने? हाँ किया ना सर, लास्ट कॉल उन्होंने जयराम को किया था। वो लिफ्ट ऑपरेटर है और मर्डर के 10 मिनट पहले वो वहीं था। यहाँ है वो? हाँ सर, हम सोसाइटी के लोगों को यहाँ उठा के लाए हैं। बुलाओ उसे यहाँ। चलो आजा आजा आजा, सीधा सीधा बाई तरफ। देखो जब जयराम ने कहा है ना कि मर्डरर अंतिम संस्कार में भी आया था तो वो उस सोसाइटी का ही होगा, तो कुत्तों से सुंघाने की बजाय लोगों को यहाँ लाकर जयराम से कहो कि वो उनमें से उसे पहचानने की कोशिश करे। मैं कह रहा हूँ कि खूनी पक्का पकड़ा जाएगा। तू हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे रहीम मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा, इसकी बातों में दम है। अगर वो इसके बगल से गुजरेगा तो ये उसे पहचान लेगा। सबको पता है इसकी नाक कितनी तेज है। ऊपर वाले ने इसे आंखें नहीं दी पर नाक बहुत तेज थी। उसके बाद? मैंने नीचे तक उसका पीछा किया, तब मैंने वहां से एक ऑटो रिक्शा जाने की आवाज सुनी। उसके बाद पता नहीं वो कहां गया, मुझे लगता है वो उसमें बैठकर भाग गया। जितनी जल्दी हो सके उस ऑटो रिक्शा को ढूंढो। सर सुनो चाचा जी, हमारे इस डील के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे मजबूर करने की वजह से कर रहा हूँ, फिर से जरा सोच लो। देखो ये ठीक नहीं है। तुम ऐसा कर तो रहे हो लेकिन तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। चाचा जी आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, पैसों को यहीं पे रहने दीजिए, जरूरत होगी तो बताऊंगा। लेकिन नंदिनी का क्या? स्कूल से आपके पास कॉल आएगा, अगर उन्होंने कुछ पूछा तो कुछ मत बताइएगा। मैं चलता हूँ। तो जल्द से जल्द शादी की तैयारी में लग जा, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पैसों की चिंता तो मत कर, पैसे हैं मेरे पास, ये नहीं बताऊंगा कि पैसे कहां से हैं। इस शनिवार को किले की दुकान से आकर पैसे ले लेना, मेरी बात समझ गए ना? कृष्णमूर्ति, ये बच्ची यहाँ पे स्टूडेंट थी लेकिन पिछले साल ही टीसी लेके चली गई यहाँ से। तुम्हें पता है वो कौन से स्कूल में गई है? क्योंकि हमें तो लगता है कि वो मर गई है। इट इज पार्ट ऑफ द पुलिस इंक्वायरी। मुझे पता है, पेपर में पढ़ा था, लेकिन वो बच्ची किस स्कूल में गई है ये मुझे नहीं पता।
टीसी और बाकी के सर्टिफिकेट्स मिस्टर जयराम ने लिया था, वो शायद इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। आपने देखा उसे किसने धक्का दिया? नहीं। फिर आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? जयराम भैया ने ऐसा कहा। सर आप उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है सर। ये बताइए जिस आदमी को दिखाई नहीं देता वो खूनी को कैसे देख सकता है? अगर वो अंधा है तो वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे तो लगता है कि वो हमारे साथ खेल रहा है। सर अगर आप मुझे परमिशन देना तो मैं उसके मुंह से सारा सच उगलवा लूंगा। बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ। बिना सबूत के हम किसी को भी उठाकर मार नहीं सकते हैं, वो भी एक अंधे इंसान को। बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स और मीडिया वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। देख कैसे रहा है। हाँ जल्दी से देखो। क्या है सर? कृष्णमूर्ति की जिस दिन मौत हुई उसने पैसे विड्रॉ किए थे 50 लाख रुपए। वो पैसे कहाँ गए? ये लो बैंक स्टेटमेंट। हमें इसके बारे में तभी पता चला जब हम अकाउंट ट्रांसफर करने गए थे। सर ऑटो ड्राइवर आया है। अंदर बुला उसको। इधर आ। अरे बाप रे, अच्छा तो तू है। सर आप इसे नहीं जानते हैं, ये माल बाबू है। ये औरतों के गहने चुराता है, ये हमारा आदमी है, ये सब सच बताएगा। सर आप कहें तो इस पे कार्यवाही शुरू कर दूं, इसके मुंह से सच उगलवाऊंगा। मुंह बंद करो, अपना दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ बोलो। हाँ तुम बोलो। सर वो तो पहले की बात थी, अभी मेरी दो बच्चियां हैं, अब मैं बहुत ही ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूँ। कुछ भी कर लो बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। उस रात तुम उस फ्लैट में क्यों गए थे? सर उस दिन मैं मम्मी और बेटी को। क्या मम्मी और बेटी? पूरी बात बता। मम्मी और बेटी को वहाँ पर ले गया था। किसकी मम्मी? बच्ची की मम्मी। किसकी बच्ची? मम्मी की बच्ची। अरे बच्ची का नाम नहीं है क्या? हाँ तुम बोलो। सर मैं जब वापस जा रहा था तो एक आदमी भाग कर आया। कौन था वो? सर एक आदमी। अरे उसका नाम नहीं है क्या? मैं सारे कस्टमर्स का नाम थोड़ी पूछूंगा। क्यों नहीं पूछ सकता है? ठीक है ठीक है, दिखने में कैसा था वो? जैसा हर कोई दिखता है वो वैसा ही दिख रहा था। तेरी। सर ये ऐसे सवालों का जवाब नहीं देगा, साइड में ले जाके दो देता हूँ इसे। चल आजा। उसे तुम पहचान पाओगे? हाँ सर, उसके सर से बहुत ही खून बह रहा था। ओ। और उसको तुमने कहाँ पर छोड़ा? वो लिसी जंक्शन पे उतर गया सर। तो क्या उसने तुम्हें पैसे दिए? हाँ दिए। कितने? एक 50 का नोट और 2 20 के नोट। वो पैसे मुझे दे। वो तो मैंने आज सुबह मच्छी वाले को दे दिए। अगर वो नोट हमारे पास होते तो हम पकड़ लेते। कैसे? नोट पर उसके फिंगरप्रिंट्स होते ना सर, उससे। तुम्हें तो। सर मैं चलती हूँ। थैंक यू सर। सर मैं भी जा सकता हूँ क्या? हाँ जाओ। तुमने मछली कहाँ से खरीदी थी? सर अब तुम एक शब्द ही नहीं बोलोगे। सर जो पूछना है मैं पूछूंगा। तुमने हॉस्पिटल में इंक्वायरी की? मैंने की है सर, इस तरह का इलाज किसी का नहीं चल रहा। इसका स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन ले लो और इसको जाने दो। मोबाइल नंबर भी लेना। सर आओ। ए जब भी तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना होगा। ओके सर। सर मारा वो यही है, वो खूनी यही है। किसी को बाहर मत जाने देना, पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ। वो खूनी 11वें मंजिल के किसी फ्लैट में है। आराम से।
अमीना, घर में और कौन कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी बेटी है। क्यों? सबको बाहर आने के लिए कहिए आप। सुनिए, सर आइए। हाँ, क्या हुआ, क्या काम है? हैं? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जयराम भैया, ये अमेरिका में रहने वाले विजयन का फ्लैट है, उसने फ्लैट को बंद करके रखा है, यहाँ कोई नहीं आता। कुंजिका, तूने कहा था ना कि उस रात को यहाँ लाइट दिखी थी? वो तो पागल है। मैं पागल नहीं हूँ गधे कहीं के, जयराम मैंने सच में लाइट देखी थी। इस फ्लैट में कोई नहीं है, दो दिन पहले ही मैंने फ्लैट की सफाई की थी। कुंजिका, इस फ्लैट की चाबी कहाँ है? ऑफिस में। हाँ, तू लेकर आ। जो रूम बाहर से बंद है उसके अंदर कोई खूनी कैसे जा सकता है? ए कुंजिका, तू जाके चाबी लेकर आ। अरे लिफ्ट बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ। तुम लोग यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। एक दो तीन, हाँ। मुझे लगता है दरवाजा अंदर से लॉक है। हाँ, जरा तुम साइड में हो जा। हाँ। अब कहां से चले आते हैं? ये पैसे कृष्णमूर्ति ने अपने बैंक से विड्रॉ किए थे और इस पर बैंक के स्टैंप भी हैं। पैसे कहां से मिले बोलो? ये पैसे मुझे मूर्ति सर ने दिए, मेरी तकलीफ सुनने के बाद, उस सुबह जिस दिन उनकी मौत हुई थी। सर, पैसे क्यों दिए? इसने बेंगलुरु में अपना जॉब खो दिया था। जब पुलिस इसे ढूंढने गई तब मैंने इसे छुपाया। इस डर से कि अगर पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो मरते दम तक इसे मारेंगे, इसलिए मैंने इसे छिपा कर रखा था। जिस साथ मूर्ति सर का खून हुआ था, जब पूरी बिल्डिंग पुलिस वालों से भरी हुई थी, तब उस वक्त इसका वहां से भाग निकलना नामुमकिन था। हम दोनों ही पुलिस को देखकर बहुत डर गए थे कि कहीं इल्जाम हमारे सर ना आ जाए, पर मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ सर, इसने किसी का खून नहीं किया है। क्या तुम जानती थी कि मूर्ति ने अपने फ्लैट में इतना सारा पैसा छुपा कर रखा है? हाँ, मुझे पता था। कैसे? मैंने जयराम को देखा था उन्हें पैसे देते हुए, और पैसे रखते हुए भी मैंने उन्हें देखा था। उसने पैसे कहाँ रखे थे? कपड़ में। ए, रुको मत, चलते रहो। रुक जाओ सर। क्या वो यही था? सर, सर वो ये नहीं है। कैसे कह सकते हो कि ये नहीं है? सर, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, जयराम और देवयानी के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, इस बारे में सबको पता है सर। ये सच है। चुप करो, मैं जानता हूँ असली खूनी यही है। ये इन तीनों का प्लान है और इसे बचाने के लिए इसने अभी एक झूठी कहानी बनाई है। सच बोलोगे या नहीं? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। अगर आपकी कॉफी खत्म हो गई है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान था, उसने पैंट शर्ट पहनी थी, वो थोड़ा सा दुबला था और उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा थी। क्या टेप लेकर तुमने उसे नापा था?
नहीं सर, कोई मेरा हाथ पकड़े या फिर मुझसे बात करे तो मैं उसकी हाइट समझ सकता हूँ सर। मैं अपनी हाइट से कंपेयर करता हूँ सर, आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है। कहानी खत्म हो गई? मेरे हिसाब से उसका वजन यही कोई 70 से 72 किलो होगा। जब कोई मेरे ऊपर गिरता है तब मैं उसका वजन जान जाता हूँ। मैं अपने वजन से उसके वजन को कंपेयर करता हूँ और मैं अंदाजा लगा लेता हूँ। और सर वो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। तुम्हें ये कैसे पता? उसने अपनी घड़ी दाएं हाथ में पहनी थी। जो बायां हाथ यूज करता है वही ऐसा करता है। वाह, क्या कहानी बनाई है इसने। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये हम लोगों को पागल बना रहा है। सर इसने कहा कि खूनी ऑटो रिक्शा में भाग गया और ऑटो ड्राइवर ये कह रहा है कि उसने इसे कभी देखा नहीं। ये आदमी हमें अपनी कहानी में घुमाया जा रहा है। सर ये खूनी के बारे में बकवास कर रहा है। अगर हम इसका विश्वास करते रहेंगे तो खूनी को पकड़ नहीं पाएंगे। सर आप सिर्फ मेरी बात मानिए, खूनी यही है। अच्छा जयराम। सर क्या तुम दोनों साथ में गए थे बैंक से पैसे निकालने के लिए? यस सर। कितने रुपए थे? 50 लाख। जब खूनी के साथ तुम्हारी हाथापाई हुई उस वक्त उसके दाहिने हाथ में कोई बैग था क्या? नहीं सर। ये तो पक्का है, इतना सारा पैसा जेब में लेकर नहीं जा सकता। तो पैसे कौन लेकर जा सकता है सर? वो ये वो करना बंद करो, ये हमें उल्लू बना रहे सर, सच बोल। मुझे नहीं पता सर। इतने सारे पैसे उसने बैंक से निकाले क्यों? सर वो इसलिए। अब फिर से कहानी बनाना शुरू करो। सर करो ना। सर उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी को ये पैसे देना चाहते हैं। उसकी बेटी कहाँ है? अब तू बहरा भी हो गया क्या? कहाँ है उसकी बेटी? सर सर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन है। देख फिर से कहानी मत बना, मेरे सवाल का जवाब दे। सर सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस इतना ही पता है कि उनकी एक बेटी भी है। तूने उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया था 2 साल पहले गार्जियन होने के नाते? इसे सब पता है सर। स्वामीनाथन इस बारे में तुमसे किसने कहा? तू क्या हमको पागल समझता है क्या? सर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ। तुम सबको बाहर खड़ा करो। हाँ हाँ चलो। उस दिन तेरे ऑटो में जो गया था वो यही है ना? चलो चलो। नहीं सर। या वो था? नहीं सर, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे वो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने उस दिन शादी अटेंड की थी, उनमें से कोई भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है सर, जैसा वो कह रहा है। फिर खूनी कहाँ भाग गया? सर मेरे पास एक मास्टर प्लान है, आप जाइए सर, मैं संभाल लूंगा। आप सब जाइए, बुलाएंगे तब आना। चलो चलो तुम भी जाओ, जल्दी करो। जयराम जी चले, चले, चले। रुकिए आपसे बात करनी है। चलिए भाई। इसे भी ले जाओ सर। चलो इसे जेल में डालो। अरे सर चलो मैं। तेरी तरफ पुलिस कहती है जयराम ने चोरी की है, बड़े शर्म की बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सुना है भैया ने किसी के फ्लैट से पैसे चुराए हैं। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हो, घर में शादी है। चल, चल अंदर। सर ये कुछ नहीं बता रहा है। इसका तो बाप भी बताएगा सच। बोल कहाँ छिपाया है तूने, नहीं तो यही गाड़ दूंगा, समझा क्या? सर हमें यहाँ कुछ गहने मिले हैं, कैश नहीं कराओ। ये सब मेरा है, भैया ने यहाँ कुछ भी नहीं छुपाया है। इतना सारा सोना आया कहाँ से? दूसरे गांव से बस पकड़ के यहाँ आया हूँ। इस परिवार की हालत इतनी भी बुरी नहीं कि जीने के लिए चोरी करे। इसके बारे में तो जल्द ही पता चल जाएगा हमें, सच बोल दे नहीं तो मैं। हटाओ। We'll be right back.
नाम? पद्मा। डैडी, जयराम भैया को छोड़ दिया गया। जज ने कहा कि वो इन्हें अंदर नहीं रख सकते। खूनी को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो किसी पे भी आरोप लगा देंगे क्या? सीआई अनादन अपनी हरकतों के लिए सजा काट रहा है। उसने इन्हें हरेस किया, इसलिए उसे सजा मिली है। और क्या सजा मिली है? जज ने उसे कोर्ट रूम में शाम तक खड़े रहने के लिए कहा है। अब वो जयराम भैया को कभी तकलीफ नहीं देगा। जयराम, तुम्हारे चाचा जी बाहर वेट कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं वो। तुम वाकई बिल्कुल इसी लायक हो। जयराम भैया। जयराम, अब आप यहाँ पर क्यों आए? शादी के लिए सिर्फ दो ही दिन बचे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे काम बाकी हैं। लक्ष्मी तुमको देखना चाहती है। तो मैं आ जाता ना वहाँ। देखो, ये सुन के बुरा मत मानना, वहाँ पर लोग तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। लड़के के पिता ने तुम्हें बुलाया, ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस बारे में पता चल गया है। उनका ये कहना है कि हम ही शादी थालासेरी में करें। लेकिन शादी तो हमारे गांव के मंदिर में होनी चाहिए थी ना? अगर हम ये शादी यहाँ पर करेंगे तो इस मामले में सबको पता चल जाएगा और हमारी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। और ये जरूरी भी है, शादी के लिए शादी है ना, इसलिए मैंने उनके इस फैसले को मान लिया है और मेरे हिसाब से ये सही भी है। और लक्ष्मी? वो यहीं पर है। बेटी यहाँ आओ। उसे आप यहाँ लेकर क्यों आए? मैं आपसे मिलना चाहती थी भैया, इसलिए यहाँ पे आई हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है बहन। ये सच हो सकता है, लेकिन लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उसे हम रोक तो नहीं सकते ना। भैया, क्या आप चाहते हैं कि मेरी शादी रुक जाए? तुम मुझसे छुटकारा चाहती हो? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वो चली गई भैया। बताया नहीं कि प्रॉब्लम क्या थी। कहा कि नंदिनी के स्कूल से फोन किया है और वो चाहते थे कि तुम उनको कॉल करो। अल्फोस था क्या चाचा जी? नहीं नहीं, कोई और ही आदमी था वो। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, कैसे भी उन तक पहुंचो। स्कूल वालों को तो सिर्फ इसी नंबर के बारे में पता है ना जयराम। पिल्लई चाचा, इस वक्त यहाँ पर और कौन है? सिर्फ पोस्ट ऑफिस का एक बंदा है, तुम कॉल करो। अरे चाचा, वहां टीचर के फोन का रेंज नहीं मिल रहा है। स्कूल में मैंने कॉल किया लेकिन पता नहीं उनको किसने कॉल किया। अगर दोबारा उनका फोन आया तो डिटेल्स ले लीजिएगा। हाँ हाँ। हेलो हेलो चाचा, एक साबुन और रेजर देना। हाँ हाँ। हेलो, अच्छा नेटवर्क। चाचा फोन कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ। घर से बेदखल करने आए हैं, अभी हम लड़की को खुद की शादी में भला अकेले कैसे भेज सकते हैं? बेइज्जती के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल सकता।
मुझे यकीन है चोरी का पैसा तुम्हारे पास है, उस पैसे से हमारा घर दिला दो। कनन, मुझे पता है कि वो कहाँ है, उसी पैसे में से तुमने शादी के लिए पैसे दिए थे ना पिल्ले के हाथों, है ना? अरेस्ट हो जाते तुम अगर उन्हें सच्चाई बता देता। घर में मेरी बहन की शादी थी इसलिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने मापला से कहा है कि घर बेचने के बाद बाकी पैसे मुझे दे देना। अगर तुम अपना हिस्सा मांगने के लिए आगे आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। जो वो बोल रहा है वो सच है क्या? नहीं कुचिका। तो तुमने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? मैंने पिल्लई चाचा को दुकान बेच दी, उसी का पैसा था। जयराम भैया, तुम्हारी बस वही तो एक संपत्ति थी। बापूती ने तुम्हें धोखा दिया है। चतुरता से बैठा हूं, जो जादू करने वाली उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। इतनी हिम्मत लेकर कि उन उंगलियों को काट दूं, जैसे मौत कुशलता पूर्वक अपने अंदर समा लेती है। मेरे अशुद्ध आत्मा को फिर से शुद्ध करने के लिए इन्हें मरना होगा। चतुर, मैं कौन हूं तुझे पता चल गया। अंधकार सिर्फ तेरी आंखों तक पहुंचा है, लेकिन तेरी शुद्धि बुद्धि शक्ति को असर नहीं किया है, ये मुझे पता है। मैं तेरे सामने हूं इस अंधकार में, मैं खुशबू परछाई और आवाज जो तुम सुन रहे हो उसमें भी हूं। लेकिन तेरी आंखों में इतनी रोशनी नहीं है कि तू मुझे देख सकेगा। कोई तो है जिसको तूने इस अंधकार में छिपाया हुआ है, नंदिनी। उसे भी मैं अपने हाथों से मार दूंगा, जान ले लूंगा उसकी, नहीं छोड़ूंगा। वासु, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वासु, तू गलत है। मुझे पता है वो कहाँ पर है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तू उसे बचा सके इससे पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। वासु, नहीं, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते हो। वासु, तुम मुझे डराकर उसका पता जानने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। वासु, वासु। उसका ठंडा पड़ चुका बदन जब तुम छूओगे तब तुम्हें विश्वास होगा जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। वासु, अब मेरी बात सुनो। वासु, ये दुबई का नंबर है, इंटरनेशनल रोमिंग पर चल रहा है। जैसे लोकल नंबर्स को हम आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, इसे नहीं कर पाएंगे। दस, बीस, तीस, चालीस, लीजिए। गंगा, मैं दुकान के अंदर जा रहा हूँ, तुम देखना कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। आप चलिए जयराम भैया, मैं देखती हूँ। पिल्लई चाचा, हाँ, दुकान में भीड़ है क्या? सिर्फ दो तीन लोग हैं। जब चले जाएं तो बता देना, फोन करना है, बहुत जरूरी फोन करना है। जयराम, अभी फोन कर लो, ये लो छुट्टे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैं अपना फोन यहाँ पर भूल गया। फोन दिखा तो नहीं मुझे। जब यहाँ पर आया था तब मेरे हाथ में था। आ, मिल गया मुझे। अच्छा। हम्म।
हेलो वो सेंट पॉल चर्च के नजदीक है ना तुम चर्च के सामने इंतजार करो मैं अभी आ रहा हूं अब चर्च आ गया चर्च के पास कोई ऑटो है क्या हाँ साहब है मुझे वहीं पर उतार देना ठीक है अब जयराम भैया जयराम भैया तुम्हें पक्का यकीन है वो वहीं है गंगा मैडम को फोन किया लेकिन लगा नहीं इसलिए मैंने आपको फोन किया मुझे बोला था कि वो दोबारा दिखे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूं लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता कि आपको जिसकी तलाश है वो यही है लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन मेरे ऑटो में बैठने वाला यही था हाँ ये कौन सी जगह है ये चर्च का पुराना स्कूल है फिलहाल तो यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है हाँ। आओ। बाबू हाँ मेरी बात सुनो मैं यहीं पे रुकूंगा अगर वो तुम्हें अंदर दिखाई दे तो उसे बाहर लेकर आ जाना मैं सिर्फ उसकी आवाज से उसे पहचान लूंगा तुम समझ रहे हो ना अगर वो यहीं पर है तो हम उसे भागने नहीं देंगे जाओ ठीक है बाबू हाँ जरा संभल के मैं उसे यहाँ लाया हूँ बाकी आप देख लो मुझे मेरा हिस्सा दे दो मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा चुपचाप वो तो मिलेगा लेकिन तुझे एक और काम करना है पुलिस से कहना कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ जाना क्या मैं जो कह रहा हूँ वो करना उनसे कहना कि जज का खूनी यहाँ पर बैठा है वासु देखो मैं जेल से निकलने के बाद बहुत ही ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूँ मेरी दो बच्चियाँ हैं और मैं बहुत ही गरीब हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ बस कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए मैं ये सब करने को तैयार हो गया प्लीज मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो मेरा इतना काम करना और इनाम लेकर जाना हेलो सर मैं पल्ली मुक्कू का ऑटो ड्राइवर बाबू बोल रहा हूँ जज को जिसने मारा था वो फोर्ट कोची के सेंट पॉल चर्च के स्कूल की बिल्डिंग में है हाँ अभी तेरा इनाम देता हूं तेरा काम तो हो गया सर सर उसने मुझे देख लिया है सर जल्दी जल्दी आइए ना सर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है सर सर प्लीज सर सर बाबू
बाबू, बाबू, सर आ गए। सर, सर, इतनी रात को क्यों बुलाया? वो ऑटो ड्राइवर मर गया सर, हम उसका बयान नहीं ले पाए। जयराम कहाँ है? उसने क्या कहा? उसने कन्फेस किया क्या? सर वो हमारे साथ फिर से खेल खेल रहा है। वो कह रहा है कि उसको ऑटो ड्राइवर ने कॉल करके बुलाया था, और वो ये भी कह रहा है कि उसने रास्ते में पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन वो हम तक पहुंच ही नहीं पाया सर। ये कैसे हो सकता है? अभी हमारे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत है सर, लेकिन हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। हमें हर एक चीज के बारे में जानना है सर। इसीलिए तो मैंने कहा उसे कन्फेस करना चाहिए, वो हर एक मामले के बीच में है। सर आप चिंता मत कीजिए सर। ए, जरा उसे चालू करो। सर इस तरह हम मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ। और अभी तो हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी है। मैं मधु के आने का इंतजार कर रहा हूँ सर, उसके आते ही वो सब सच बता देगा। एक बार ठीक से सोच लो, नहीं तो तुम फंसोगे। और ध्यान रखना, इस बार जज तुम्हें पिछली बार से कड़ी सजा देगा। सर अगर उसे चाय और बिरयानी देंगे तो वो सच नहीं बोलने वाला, बहुत घमंड है उसके अंदर। आपको जो भी सबूत और गवाह चाहिए मैं दूंगा। सर। हाँ मधु। सर वो कहाँ है? अंदर किचन में। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि सुबह होने से पहले वो कन्फेस कर ले, फिर हम पब्लिक के सामने उसे अरेस्ट कर सकते हैं। समझ गए? जी। हाँ आ जाओ सर। ये है क्या? तुम इसे जानते हो क्या? बहुत अच्छे से। नाम लिया और बंदा मेरे सामने हाजिर। इसकी तो लाल करने के लिए मैं कब से बेताब हूं। सर आप जाइए, इसका मुंह कैसे खुलवाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पुरखे भी सच उगलेंगे इसके। आप जाइए सर। मधु। मधु नहीं, तेरी मौत हूं मैं। पिछली बार तो बच गया था मेरे हाथों से, इस बार उधेड़ के रख दूंगा। इसे उठाओ यहां से। ये देख, इसका गला काटा गया था, और ये वो हथियार है जिससे गला काटा गया। सर ये यहां पर क्यों आई है? सर इन्हें एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए बुलाया है। इतनी रात को यहां पर बुलाया है? तुम इसे दूसरे रूम में लेकर जाओ, मैं अभी आता हूं। दुनिया में अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार है तो वह ये लड़का है। अगर ये भी मर गया तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं बचेगा, तब क्या करेगी? ये ऐसा काम नहीं कर सकता, हम निर्दोष हैं। श्वेता इसको हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? ठीक से समझाओ इसे, वरना जो हो रहा है होने दे। तुम जो कुछ भी जानती हो सब बता। रुको। सुनो, जब तुम्हारा भाई आज पुलिस कस्टडी से छूटा था तो हमने उससे एक पेपर पे साइन करवाया था, उसके बाद ही हमने उसे छोड़ा। इसका गवाह भी हमारे पास। अगर वो किसी वजह से मर गया तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलो वो भी छोड़ो, अगर हम इसे कहीं ले जाकर किसी पेड़ पर या सूली पर चढ़ाकर मार भी डालें तो कुछ नहीं होगा, आत्महत्या मानकर केस क्लोज कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, जल्दी से फैसला कर लो, तुम इसे ज्यादा चाहती हो या फिर उस अंधे को चाहती हो। तुम्हारे पास साइन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अरे इसे उठाकर ले जाओ यहां से, नहीं तो इसके निशान नजर आएंगे। तेरी तो खाओ दूंगा मैं। हाँ दौड़ा दौड़ा के मारी से भाग। मुझे लेट होगा, तुम सो जाओ, हो सकता है सुबह हो जाए। सुनो सर, अभी खाने में क्या मिलेगा?
इस वक्त पिज्जा मिलेगा सर? अरे कुछ भी चलेगा, लेकर आओ। ठीक है सर। हाँ। देख तू यहां है किसी को नहीं पता, ऑटो ड्राइवर को तू मारकर भाग गया, मीडिया को यही लगेगा, जब तक बयान नहीं देगा तो यही रहेगा। तू अंधा है इसीलिए किसी को डाउट भी नहीं होगा, लोगों को यह लगेगा कि तू ट्रेन के नीचे आ गया या डूब गया। बस तू इज्जत से बयान पर साइन कर दे। क्या बोल रहा है? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। हाँ। इसे पीने के लिए पानी दो और खाने के लिए चाहिए तो पूछो, थोड़ी देर के लिए इसे सांस लेने दो। Mari, Mari, ये लोग मुझे मार देंगे दीदी, मुझे मार देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जयराम, कृष्णमूर्ति के बारे में सब भूल जा। चल मान लेते हैं तू निर्दोष है, ड्राइवर के खून के लिए तो सजा होगी ही, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। तुम्हें एक सजा होकर रहेगी, अब चाहे एक खून करो या फिर दो करो। हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो और क्यों चाहते हो कि हम तुम्हें तकलीफ दें? जयराम सारा गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो हम तुम्हें इसी तरह से हर रोज पीटते रहेंगे। देखो जयराम, क्यों चाहते हो कि हम लोग हिंसा करें? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने कहा था ना ये कबूल नहीं करने वाला है। सर मैं उगलवाता हूं ना, तब से यही सुनता आ रहा हूं, ये कबूल करो। मेरी बात कान खोल के सुन ले, हमारे पास एक आई विटनेस है जिसने तुम्हें कृष्णमूर्ति को मारते देखा। ये झूठ है, ऐसा कोई नहीं है। कौन है? उसे लेकर आओ, उसे लेकर आओ। सर अब ये क्या है? नहीं सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो देना जरा। सर ये केस क्लोज हो चुका है, ये देखिए सर। आ जाओ सर। हाँ बैठो। इसमें जो लिखा है वो सच है क्या? पैसों के लिए जयराम ने कृष्णमूर्ति का खून किया है ना? अरे जोर से बोल, सबको सुनाई देना चाहिए। और तूने ये देखा है और इसने तुम्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए हैं, है ना? हाँ या नहीं? दिव्यानी, एए, एए, ये सच नहीं है। ओ तो तू सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं, क्यों? ये तेरी प्रेमिका है ना, ये तूने तब नहीं सोचा जब तूने इसके साथ धोखा किया है? सर आपसी दुश्मनी अपने पास रखो, ये लो इस पे साइन करो। सर मुझे एक मौका और दीजिए, इस बार मैं जरूर पता लगा लूंगा कि खूनी कहाँ है। चुपचाप बैठ जा। सर जयराम फिर से कहानी बना रहा है। अपनी बकवास बंद करो, तुम एक काल्पनिक खूनी बना रहे हो अपनी सोच का इस्तेमाल करके, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। वो ऑटो ड्राइवर जो हमारे लिए आखिरी गवाह था, तुमने उसे मार दिया। नहीं सर मेरा यकीन कीजिए, इन सब चीजों को देखते हुए मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। तुमने मुझसे कहा था कि वो बहुत ही ताकतवर और बहुत चतुर है, तो फिर उसने एक ऐसे कमजोर और अंधे इंसान को जिंदा क्यों छोड़ दिया जिसे वो बड़ी आसानी से मार सकता था? वो बुद्धिमान है सर, वो जानता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझे हरा नहीं सकता। वही क्यों सर, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे हराना बहुत मुश्किल है।
क्यों, तुम कोई सुपरमैन हो क्या? सर आप प्लीज घर जाइए, हम सच उगलवा लेंगे। चलो फिर से शुरू करते हैं, सच तो इसका बाप भी बोलेगा। पहले इसको घर छुड़वाने का इंतजाम करो। सर सर मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। सर सर मुझे पता है कि इस वक्त वो कहां है। सर एक शब्द बोला तो मार डालूंगा। सर प्लीज सर मुझे मत मारो। ए सुनो, बाहर से दरवाजा बंद करो। बंद मत करना। जयराम तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरी चीख यहां कोई नहीं सुनने वाला। मैंने कहा था ना इसे बंद मत करना। क्या? क्योंकि तुम लोग मेरे हाथों से अब बच नहीं पाओगे। देख क्या रे, मारो। अपने पैरों को इस पानी में ऐसे ही थोड़ी देर रखो, इससे आपको बेहतर लगेगा और फिर अच्छी नींद भी आएगी। और वो पिज्जा की दुकान सुबह 10:30 बजे तक खुलेगी। पिज्जा शॉप में क्या काम है? जयराम भैया को लगता है कि खूनी ने खून करने से पहले पिज्जा खाया था, क्योंकि उसके हाथों से पिज्जा की खुशबू आ रही थी। जितने भी लोग उस अपार्टमेंट में थे उन सब ने सरदार जी की शादी में खाना तो खाया ही था। अगर खूनी उस अपार्टमेंट में रहता होगा और अगर हमें पता चल गया कि कौन से फ्लैट में पिज्जा डिलीवर हुआ था, तो वो डिलीवरी बॉय हमें खूनी के बारे में क्लू दे सकता है। वैसे जयराम तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। आपने जो मुझे बताया उसके बारे में जब मैं जांच पड़ताल कर रही थी तो पता चला कि ये केस क्राइम ब्रांच के केस से मिलता जुलता है। इट्स अ कोइंसिडेंस। जिन लोगों का भी खून हुआ है वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी रेप केस में जुड़े हुए थे। मैंने जेल से वासु की फोटो मंगवाई है। इट मे हेल्प अस। थैंक यू। उस दिन पिज्जा सिर्फ एक ही फ्लैट में डिलीवर हुआ था, वो भी शाम के 6 बजे, और उस फ्लैट का नंबर है 1106। क्या आप जानते हैं कि इस फ्लैट में कौन रहता है? अमीना। ये लो, ये तुम्हारी लकड़ी। पुलिस आई थी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कुंजिका। हाँ। तुमने अमीना के पति को देखा है क्या? नहीं, ये मेरे पति नहीं है, उनके फ्रेंड है। ये यहीं पर रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते, कभी कभी आते हैं। इन्होंने ही बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए और ये फ्लैट भी दिलवाया।
और ये फिर से कब आएंगे? ये तो पता नहीं, कल यहीं पे थे, कह रहे थे कि कल ही उन्हें दुबई जाना है। उनका फोन नंबर तो होगा? सॉरी मिस्टर स्वामीनाथन, शी इज अ स्पॉन्सर्ड चाइल्ड। लोकल गार्डियन जयराम के अलावा हम उसे किसी और से मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। नहीं, मुझे उसे मिलना है क्योंकि वो कृष्णा मामा की बेटी है जो अब नहीं रहे, इसलिए उनके रिश्तेदार होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोची अकाउंट नंबर 1009797। इस अकाउंट से ही वो स्कूल के अकाउंट में कृष्णा मामा फीस भेजा करते थे। अभी वो नहीं है इसलिए उस बच्चे की पढ़ाई पे कोई आँच ना है, इसलिए मैं आया हूँ। oh. उसकी फीस ड्यू है तो मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ, तो प्लीज आप चेक कर सकती हैं। वन मिनट, अकाउंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट कीजिए। Yes, can you please check whether is there any due in the fees of Nandini Murthy, standard 7D? Listen, दिवाली के नाम पर तुम सब ऐसे ही छुट्टी लेने लगे तो ये सही नहीं है। स्टाफ से कह देना कि मैं उनका 4 दिन का पेमेंट कट करने वाली हूँ। छुट्टी लेंगे तो पेमेंट तो कट होगा ही ना, और वैसे भी सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। ओके, इस साल की उसकी फीस भर दी गई है। सुनना भाई, क्या तुम ये 7D की नंदिनी को दे सकते हो? ये लो, दिवाली है ना, मजे करो। होमवर्क किया आपने? हाँ, मैंने कंप्लीट कर लिया है। मेरा थोड़ा सा बाकी है, तुम्हें दे दूंगी। हाँ ठीक है, मैं फटाफट कॉपी कर लूंगी, तुम अच्छे से नोट कर लो। नंदिनी, हाँ ये लो। सेंडिंग यू स्वीट्स फॉर दिवाली, रामचंद्र। मैंने ट्राई किया, उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। आपके ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। लीजिए। इतने दिनों तक वासु मेरे पीछे परछाई की तरह था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जरिए वो नंदिनी को ढूंढ सकता है। अभी उसको पता चल चुका है कि नंदिनी कहाँ है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। वो एक साइकोपैथ है, वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा भैया। मुझे पता है, लेकिन किसी भी तरह मुझे उसे सच्चाई बतानी है, उसके बाद बदले की भावना खत्म हो जाएगी। बदले की भावना में जलते हुए इंसान को आप नहीं समझा सकते भैया, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं समझेगा, वो आपकी बात तक सुनेगा। नहीं सुनेगा। सुनेगा। तुम्हें पता है, वो जिसकी हत्या करना चाहता है वो उसी की बेटी है। वो लड़की जिंदा बच गई थी। वासु की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जब वो सजा काट के बाहर आया तभी मूर्ति सर को उस बच्ची को उसके हवाले करना था और उससे माफी भी मांगनी थी। नंदिनी, तुम्हारे लिए कोई दिवाली की स्वीट लेकर आया है। हाँ? रामचंद्र, मुझे पता था आप आओगे। कैसे? कल मैंने आपको सपने में देखा था। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ? सिस्टर ने कहा कोई स्वीट लेके मुझसे मिलने आया है। रामचंद्र के अलावा मुझसे और कौन मिलने आ सकता है भला? स्वीट्स? यहाँ ऐसा कोई है जिसे तुम नहीं पहचानती हो? देखो। हाँ, हेलो,
मैं हूँ गंगा। गंगा? हाँ? वो यहीं पर है, वो अभी अभी यहीं पर था। क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? हाँ? इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई के बारे में सिर्फ हम ही लोगों को पता है, और सिर्फ हमारी बातों पर पुलिस वाले इसे अरेस्ट करके नहीं लेके जाएंगे। अब यहाँ पर नंदिनी का अकेले रहना ठीक नहीं। मैंने सिस्टर को सब बता दिया है भैया। अच्छा। गंगा ने मुझे उसकी फोटो दिखाई है, यही वो इंसान है जो स्कूल में आया था। चिंता मत करो, तुम यहाँ रह सकते हो। मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, बाकी के टीचर्स भी छुट्टी पर गांव गए हुए हैं। यहाँ ऊपर 4 रूम है और नीचे 4, तुम जिसमें रहना चाहते हो उसमें रह सकते हो। एक बात तो तय है कि हमारे यहां पहुंचने तक वो हमारा पीछा कर रहा था। Thank you.
ट्रॉफी वहीं रख दीजिएगा, मैं बाद में ले लूंगी। सोने से पहले दरवाजा लॉक कर देना, मेरे अलावा कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। वासु, वासु जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम जिसे मारना चाहते हो नंदिनी तुम्हारी बेटी है। रामचंद्र। जयराम, जब तुझे पता चला कि तू उसे बचा नहीं सकता तो तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वासु, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, ये तुम्हारी ही बेटी है। इमोशनल ब्लैकमेल। वासु, नंदिनी तुम्हारी बेटी है। मैंने उसे अपनी आंखों से लाशों के बीच देखा है, मेरी बेटी भी वहीं पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। तू पागल हो गया है? हाँ, मैंने उन सबको बर्बाद कर दिया जिन्होंने मेरे खानदान को बर्बाद किया है, अब बस ये अकेली बची है।
मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब नंदनी, वो तेरे पिता नहीं है। पर अभी आपने तो उनसे यही कहा था। मैं उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैं हमेशा तुम्हें बनाया करता हूँ। अब ले। ये तुम्हें कहाँ मिली? नीचे मिली। मैं नहीं चाहती कि उसके हाथ लगे, इसलिए मैंने उठा लिया। तुम यहीं पर रहना, आवाज नहीं करना। Thank you.
जयराम भैया आपसे वहाँ मिलने को ही आया है, इंतजार कर रहा है। कौन है? मुझे नहीं पता, पहले नहीं देखा उसे। जयराम, मैं हूँ। बापूती। हाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं। मैं तुम्हें सही समय पर पैसे नहीं दे पाया, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मदद करने के बजाय मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दे दी जयराम। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बस मुझसे भूल हो गई थी जयराम। बापूती, आखिर हम सब तो इंसान ही है ना, हर किसी की जिंदगी में तकलीफें आती हैं। मुझे पता था कि तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करोगे। मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ और मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। ये लो, तुम्हारे घर के कागजात। मैंने वर्गीश मापला को उसके सारे पैसे दे दिए हैं। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? बिल्कुल करूँगा, तुम बताओ तो सही। ये सब कुछ कन्नन को दे देना, इसका असली हकदार वही है। अब तुम ही बताओ कि मेरे जैसे एक बेकार इंसान को घर की क्या जरूरत है। अब ये मत पूछना कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन जब भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक मुझे फोन कर देना। जयराम भैया। हाँ। आपका बैग। सिस्टर, सिस्टर ये नंदिनी के लिए है। आप मुझे दूर क्यों भेज रहे हो? जिंदगी ऐसे ही चलती है। एक दिन वो सब लोग जो हमें लगता है कि हमारे साथ हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसके बावजूद हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। कोई भी चीज हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दैट्स लाइफ। नंदिनी, तुम्हें बड़ी होकर एक अच्छा इंसान बनना है। मैं चाहे कहीं भी रहूं लेकिन हर रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा बेटा। जाओ। मैं आपसे कुछ पूछूं रामचंद्र? रामचंद्र, आपने मुझसे कहा था कि हमारी जिंदगी तब अच्छी होती है जब हमारे साथ कोई होता है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपके लिए यहाँ कोई भी नहीं है। मैं भी वैसी हूँ ना, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के लिए जिए। अगर रामचंद्र और मैं साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा। शरारती बच्ची, चलो अच्छा है, फिर हम ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आपको लेना होगा। क्या है ये? क्या? ओ, ओ, आ, आ,